उसमें पर देना मिल जाएगा। वो तो चीज़ क्या पता, मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं है। ओपन हो गया गाइस। या चले, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी लोगों का मेरे और एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ। तो अभी मैंने ना सुबह का जो पूरा काम हो चुका है अभी, और इस बीच ना मैंने बेडरूम का ना आज पूरा बेडशीट चेंज किया और अभी मशीन में डाल दिया है, और उस बीच मैंने ब्रेकफास्ट भी कर ली है। और चले अभी कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि आज ना बहुत मोटे मोटे कपड़े धोने हैं, बेडशीट्स वगैरह, तो ये सब धोते हैं। और आज है क्लियर मौसम, बहुत तेज धूप है आज। शाम तक तो पता नहीं, यहाँ फिर हवा चलने लगेगा। अभी तो मौसम मस्त हो रखा है। तो आज का ना गाइस, लद्दाख में अभी मौसम ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत गर्मी आने लग गई है। तो मैंने सोचा कि मोटा मोटा जो बेडशीट्स है ना वो सब धो देते हैं, और कंबल्स जो एक्स्ट्रा कंबल्स है वो सब मैं अभी पैक कर देती हूँ। तो इस वजह से ना मैं अभी सब धो रही हूँ। तो आज धूप भी अच्छा खासा धूप निकला था, तो मैं सब धो के ना फिर शाम को मैं पैक कर दूँगी मोटे मोटे जो कंबल्स ये बेडशीट्स वगैरह है। तो गाइस अभी मेरे सब कपड़े वपड़े धो के अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। आज मैंने मोटा मोटा कपड़ा धोया, बेडशीट्स कंबल वगैरह ये सब धोया, और अभी धुल चुके हैं। और आज ना बहुत गर्मी भी लग रही है। फ्रिज में देखा तो क्या देखा मैंने, अमेजिंग,
फ्रिज में आइसक्रीम रखा था, कब का रखा था, कोई खा नहीं रहे तो सोचा अब मैं ही खा लेती हूँ। तो आइसक्रीम के साथ और एक ये बचा था, क्या बोलते हैं, एक ये बचा था गुलाब जामुन बोलते कि रसगुल्ला बोलते हैं, एक ये बचा हुआ था। तो अभी मैं इसको खाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ और ना फिर थोड़ी देर ही बैठूँगी, फिर खाने का टाइम भी हो रहा है ना। तो खाने में क्या बनाएंगे, मैं और पापा ही है घर पे, तो देखते हैं हम दोनों क्या खाएंगे लंच में। अभी बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं और अभी हमने जस्ट ही लंच किया। और लंच ना कुछ नहीं बनाया आज, क्योंकि ना वो शाम का सब्जी और थोड़ा चावल बचा था, तो मैं और पापा दोनों वही खाए आज, सब्जी और चावल। और ना लंच करते टाइम ना एक फ़ोन कॉल आया, तो बोलते आपका ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ आया है पोस्ट ऑफिस में, आप जा आकर ना अभी ले ले बोल रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गई ना, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है, मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं है, और सामान भी ना मैंने एक दो मंगवाया वो भी अमेज़ोन से, वो तो पोस्ट ऑफिस में नहीं आएंगे, ऐसे गाड़ी रहता है ना। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ है बट वो अभी उसमें आने में टाइम है, तो वो तो हो नहीं सकता या हो सकता है, इसलिए ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आने वाले है, कुछ दिक्कत नहीं आए तो वो आएंगे। और तो उन्होंने बोला ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लग रहा है, तब मुझे शक हुआ ना कि ये कहीं वही चीज़ तो नहीं है क्या। तो अभी मैं वही सोच के ना मेरे मन में ऐसे गुदगुदी हो रहा है, क्या वही चीज़ है, क्या हो सकता है, सोच सोच के ना अभी मेरे मन ऐसा हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बटरफ्लाइज हो रहा है मन में। तो पापा लेने के लिए गए हैं, देखते हैं गाइस क्या है वो सामान। वो लोग बोल रहे थे ना इम्पोर्टेंट चीज़ लग रहा है, तभी मेरे को थोड़ा शक हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या है। तो वेट करते हैं, अभी पापा लेने के लिए गए हैं, तब तक वेट करते हैं। ऐसा लग रहा है ना कहीं मेरा पोपट ही ना हो जाए, इतना खुशी हो रहा है पोपट ना हो जाए कहीं, क्योंकि ना एक साइड से लग रहा है कि वही चीज़ है और एक साइड से लग रहा है वो अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंफ्यूजन हो रहा है दोनों चीज़ों में, और ना अगर वो हुआ तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं वो नहीं हुआ तो और कुछ हुआ तो क्या करें, फिर सेट सेट हो जाएंगे, पता नहीं क्या है यार। पापा जल्दी से लेकर आ जाए। तो फ्रेंड्स वो चीज़ आ चुकी है और मैं जिस चीज़ का सोच रही हूँ वो तो है नहीं, और क्या आया है पार्सल में तो रास्ता ना चलेगा। ये देखिए फेंको, इसको नहीं चाहिए मुझे, ये ना मैंने अमेजोन से एक सामान मंगवाया था ना, अमेजोन का यहाँ गाड़ी आता है ना, पता नहीं ये पार्सल में क्यों आया, ऐसा मेरा मूड ऑफ हो गया या ना, मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया। और मुझे ना खुद पर इतनी हंसी आ रही ना, मैं उस चीज़ के बारे में सोच भी कैसे लिया, अभी वो इतने जल्दी आएंगे उसमें तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब लोगों को आने वाले वीडियो में पता चल ही जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और आज तो मेरा पोपट हो गया और मेरे साथ ही प्रैंक हो गया, तो कोई बात नहीं गाइस, जब वो चीज़ आ जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।